जय श्री राम दोस्तों, एसपीजी किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भगवती के प्रसाद के लिए पेड़ा। तो बिहार में जैसे दुकान में पेड़ा मिलता है ड्राई पेड़ा, ऐसे मैं बनाऊंगी। तो जिसके लिए मैं 1 लीटर दूध ली हूँ। दूध को मैं पहले उबाल के रखी थी, वही दूध मैं अभी यूज कर रही हूँ। इसको एक कढ़ाई में डाल के मैं आँच पर चढ़ा दी हूँ। इसको चलाऊँगी धीरे धीरे, इसको चलाती रहूँगी। देखिए दूध गाढ़ा हो रहा है। तो दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं अलग अलग रेसिपी जब भी बनाऊँ तो जल्दी आपके सामने उपस्थित हो जाऊँ और आप हमारा वीडियो जल्दी से जल्दी देख सको। तो देखिए इस तरह चलाते रहना है, नहीं तो बॉर्डर बॉर्डर में ना इस कढ़ाई में लगने लगेगा। इसको इसको इस प्रकार से छुड़ाते रहना है। देखिए किसी करछी से देखिए और गाढ़ा हो गया है। थोड़ी देर मुझे और पकाना है इसी तरह। देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो इसमें मैं डालूंगी चीनी। 1 कटोरी में चीनी ली हूँ, 300 ग्राम लगभग चीनी है। इसको मैं डाल दूंगी। चीनी डालते ही थोड़ा ऐसे पानी छोड़ेगा चीनी का। इसको फिर से मैं चलाती रहूँगी। देखिए ऐसे जो पकड़ लिया है साइड साइड में, तो मैं एक और चम्मच ले लूँगी, करछी ले लूँगी, इससे नहीं छूटेगा तो उससे छुड़ाती रहूँगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। इलायची को मैं चीनी के साथ कूट ली हूँ, उसे पीस के थोड़ा दरदरा मैं डाल रही हूँ। चीनी पिघल के ये गीला गीला सा हो गया है। बस इसी तरह मुझे चलाते रहना है। थोड़ा सा ऐसे करछी से छुरा छुरा दीजिए। देखिए इसी के साथ इसको मिला के ऐसे चलाती रहूँगी। अब फ्लेम लो कर दूँगी मैं। अब इसको लो फ्लेम पर पकाना है मुझे। देखिए खोया तैयार हो गया है। देखने में लग रहा है खोया तैयार हो गया है। बस थोड़ी देर में इसे चलाऊंगी और तैयार हो गया खोया। मैं आँच बंद कर दूंगी। अब इसको थोड़ा सा मिलाऊंगी।
अभी पेड़ा बनने लायक नहीं हुआ, देख लेती हूँ। गर्म भी है ज़्यादा और थोड़ा लूज भी है। हाथ में पानी लगाऊंगी, इस तरह से देखती हूँ बना के। तो बन रहा है हमारा पेड़ा, इस प्रकार मैं पेड़ा बना के तैयार कर लूँगी। देखिए बिल्कुल तैयार हो रहा है, खोया तैयार हो गया बिल्कुल पेड़ा बनने लायक। तो मैं सारे पेड़ा तैयार कर लेती हूँ इसी प्रकार। तो दोस्तों, आपको हमारा ये पेड़ा पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, लाइक में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। आप कैसे पेड़ा बनाते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये पेड़ा थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सूखा सूखा सा हो जाएगा तोड़ने से। तो देखिए तैयार है। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो।